साउथ अफ्रीका के अंपायर रूडी कर्टसन का मंगलवार को एक कार दुर्घटना में निधन हो गया। वे 73 वर्ष के थे। बताया जा रहा है कि रूडी गोल्फ खेलने गए थे और केप टाउन से नेल्सन मंडेला बे स्थित अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान जिस कार में वे सवार थे, वे सामने से आते हुए किसी दूसरी वाहन से टकरा गई, जिसमें रूडी समेत 3 अन्य लोगों की भी जान चली गई। रूडी दुनिया के लोकप्रिय अंपायरों में शुमार थे। उन्होंने कुल 332 इंटरनेशनल मैचों में मैदानी अंपायरिंग की थी। वह कई सालों तक ICC के अंपायरों की एलीट पैनल में शामिल थे। रूडी की मौत की खबर से क्रिकेट प्रेमियों में शोक की लहर है। साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम रूडी की मौत पर शोक के लिए अब अपने अगले इंटरनेशनल मैच में अपनी बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर खेलेगी। उनके निधन पर देश और दुनिया के दिग्गजों ने शोक व्यक्त किया है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं भी की हैं। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भी उनके निधन पर एक ट्वीट शेयर किया है और शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। रूडी कर्टसन के परिवार में उनकी पत्नी और 4 बच्चे हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। आप लगातार बने रहें ABP लाइव के साथ। We'll be right back.